हे गाइस, आईपीएल 2023 में कुल यहां पे 54 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। मैच नंबर 54 आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया था एंड ये मुकाबला मुंबई इंडियंस की टीम जीत चुकी है। एंड इसी के साथ यहां पे मैं आपको आईपीएल 2023 का नया पॉइंट्स टेबल बताने वाला हूं, कौन सी टीम प्लेऑफ की रेस में बरकरार है, कौन सी टीम एलिमिनेट हो चुकी है, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं नंबर 10 के साथ। तो यहाँ पे नंबर 10 पे डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 10 मैचेस खेले जिसमें से 4 मैच जीती है, 6 मैच हारी है 8 अंकों के साथ। इनका नेट रन रेट -0.529 का चल रहा है। दिल्ली कैपिटल्स का अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट है 10 मई को एंड दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। इनको अपने बचे हुए चारों मुकाबले जीतने होंगे अगर इनको क्वालिफाई करना है तो। नंबर 9 पे एडन मार्करम की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। एसआरएच की टीम ने 10 मैचेस खेले जिसमें से 4 मैच जीती है, 6 मैच हारी है 8 अंकों के साथ। इनका नेट रन रेट -0.472 का चल रहा है। एसआरएच का भी वही सिनेरियो है, अपने बचे हुए चारों मुकाबले जीतने होंगे तभी यहां पे एसआरएच की टीम क्वालिफाई कर पाएगी। एंड सनराइजर्स हैदराबाद का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट है 13 मई को। नंबर 8 पे शिखर धवन की पंजाब किंग्स टीम आ चुकी है। पंजाब किंग्स की टीम ने 11 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 6 मैच हारी है 10 अंकों के साथ। इनका नेट रन रेट -0.441 का चल रहा है। पंजाब किंग्स का भी सेम सिनेरियो है, बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने होंगे तभी यहां पे क्वालिफाई कर पाएगी। एंड इनका अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट है 13 मई को। नंबर 7 पे फैब डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आ चुकी है। आरसीबी की टीम ने 11 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 6 मैच हारी है 10 अंकों के साथ। आरसीबी की टीम अभी नंबर 7 पे है। आरसीबी के भी अब तीन ही मुकाबले बचे हुए, तीनों मुकाबले इनके लिए डू ऑर डाई है, तीनों मुकाबले कैसे भी करके जीतने हो गए। एंड इनका अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट है 14 मई को। नंबर 6 पे नीतीश राणा की कोलकाता नाइट राइडर्स आ चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 11 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 6 मैच हारी है 10 अंकों के साथ। इनका नेट रन रेट -0.079 का चल रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स का भी वही सिनेरियो है, अपने बचे हुए तीनों मुकाबले इनको कैसे भी करके जीतने होंगे। एंड इनका अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट है 11 मई को। नंबर 5 पे संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 11 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 6 मैच हारी है 10 अंकों के साथ। इनका नेट रन रेट +0.38 का चल रहा है। राजस्थान रॉयल्स का भी सेम सिनेरियो है, इनको अपने बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने होंगे तभी यहां पे राजस्थान रॉयल्स की टीम क्वालिफाई कर पाएगी। एंड इनका अगला मुकाबला यहां पे राजस्थान रॉयल्स का कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट है 11 मई को। नंबर 4 पे कृणाल पंड्या की लखनऊ सुपर जायंट्स है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 11 मैचेस खेले जिसमें से 5 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, 1 मैच में नो रिजल्ट रहा है 11 अंकों के साथ। इनका नेट रन रेट +0.29 का चल रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी प्लेऑफ के रेस में जिंदा है, इनको अपने बचे हुए तीन मुकाबले में से दो मुकाबले और जीतने होंगे, मे बी तीनों मुकाबले जीतने होंगे तभी यहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम क्वालिफाई कर पाएगी। एंड इनका अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट है 13 मई को। बढ़ते 3 की तरफ, यहां पे नंबर 3 पे रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस आ चुकी है। मुंबई इंडियंस की टीम ने बहुत ही बड़ा छलांग मारा है, डायरेक्ट नंबर 8 से नंबर 3 पे आ चुकी है। मुंबई इंडियंस की टीम ने 11 मैचेस खेले जिसमें से 6 मैच जीती है, 5 मैच हारी है 12 अंकों के साथ। इनका जो नेट रन रेट है माइनस में चल रहा है। एंड मुंबई इंडियंस की टीम टॉप 2 में भी एंड कर सकती है एंड क्वालिफाई भी कर सकती है, इनको अपने बचे हुए तीन मुकाबले में से सिर्फ दो मुकाबले और जीतने होंगे। नंबर 2 पे महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 11 मैचेस खेले जिसमें से 6 मैच जीती है, 4 मैच हारी है, 1 मैच में नो रिजल्ट रहा है 13 अंकों के साथ। इनका नेट रन रेट +0.40 का चल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर ही चुकी है, इनको अपने बचे हुए तीन मुकाबले में से दो मुकाबले और जीतने होंगे देन यहाँ पे डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएगी। एंड इनका अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट है 10 मई को। एंड नंबर 1 पे हार्दिक पंड्या की गुजरात टाइटन्स है। गुजरात टाइटन्स की टीम ने 11 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 3 मैच हारी है 16 अंकों के साथ। इनका नेट रन रेट +0.951 का चल रहा है। एंड गुजरात टाइटन्स की टीम
प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आपकी फेवरेट टीम अभी कौन से रैंक पे, कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड वीडियो को एंड करते, वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैक्सवर्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।